लोग इस बात पर भी हैरान हैं कि केजरीवाल शीश महल में तो माता पिता के साथ टहलने का वीडियो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल से मारपीट का एक भी वीडियो उन्होंने ट्वीट नहीं किया। खुद कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, तो सिलेक्टेड वीडियोस कैसे लीक हो गए शीश महल के? स्वाति मालीवाल के केस में तो अरविंद केजरीवाल कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही बात उनके माता पिता से पूछताछ की आई तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर आ गए। स्वाति मालीवाल के माता पिता के बारे में तो कभी नहीं सोचा कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी कि उनकी बेटी को किसी ने मार दिया है, बेटी कह रही है। कमाल की बात यह है कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार भी स्वाति मालीवाल का नाम तक नहीं लिया, मतलब जिस केस में पूछताछ होनी है उसका जिक्र नहीं किया। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जिस शीश महल को केजरीवाल ने दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था, किसी को अंदर नहीं जाने दिया, अब विक्टिम कार्ड खेलना है तो शीश महल का वीडियो खुद जारी कर रहे हैं। पुलिस आई, इसका माहौल बनाकर अरविंद केजरीवाल ने पूरा अपना सियासी चैप्टर सेट कर दिया। लेकिन पहली बात तो ये कि अगर पुलिस को परेशान करना होता तो अरविंद केजरीवाल के माता पिता को थाने बुलाती या कहीं और बुलाती। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने ट्वीट में लिखा है कि पुलिस ने पूछताछ के लिए समय मांगा है। भाई परेशान करना रहेगा तो बोलेगी कि लेके आइए, थाने लेकर आइए। दूसरी बात, यह भी कंफर्म नहीं है कि दिल्ली पुलिस केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करेगी भी या नहीं, यह बात तो सिर्फ केजरीवाल ने खुद उड़ाई हुई है। तीसरी बात, अगर मान लो केजरीवाल के माता पिता से पुलिस पूछताछ भी करेगी तो इसे प्रताड़ना किस एंगल से मान लिया भाई? उनपे कोई केस तो नहीं किया, उनपे कोई आरोप तो नहीं लगाया, कहीं कोई घटना हुई है आसपास अगर लोग हैं तो क्या उन लोगों से पूछ भी नहीं सकती पुलिस की माता जी आपने कुछ सुना था, पिताजी आपने कुछ सुना था? इतना ही तो पुलिस कर रही है, इसमें प्रताड़ना कौन से एंगल से हो गई भाई? आप खुद देखिए, कल तो अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के केस में कह रहे थे कि वो स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी, घटना के दो पक्ष हैं और पुलिस को दोनों पक्षों की निष्पक्षता से जांच करके इंसाफ देना चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल इंसाफ की बात कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं, तो फिर विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? माता पिता को आगे कर इमोशनल कार्ड क्यों खेल रहे हैं? मारपीट की घटना तो केजरीवाल के घर पर हुई, तो स्वाभाविक है कि उस दिन घर पर जो भी मौजूद होगा उससे पूछताछ होगी। फिर केजरीवाल ये क्यों कह रहे हैं कि उनके बूढ़े माता पिता से पुलिस पूछताछ करके परेशान कर रही है? इसका तो मतलब यही निकलता है कि केजरीवाल खुद ये नहीं चाहते कि स्वाति मालीवाल केस में सही से जांच हो। क्या केजरीवाल को इस बात का डर है कि अगर सही से जांच हुई तो सवालों के घेरे में केजरीवाल भी आएंगे? केजरीवाल कैसे शीश महल के पिटाई कांड में सवालों के बीच फंसते चले जा रहे हैं, उस पर बड़ा खुलासा अभी तो करना बाकी है। अभी थोड़ी देर में वो खुलासा करूंगा, लेकिन पहले यह भी देख लीजिए कि केजरीवाल ने ऐसा पहली बार नहीं किया कि वो अपनी राजनीति के चक्कर में अपने परिवार वालों को लेकर आ गए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए परिवार का सहारा लेने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर आज से नहीं लग रहा है, अपनी राजनीति की शुरुआत में ही केजरीवाल ऐसा कर चुके हैं। साल 2013 था और आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें आई थी। सरकार बनाने के सवाल पर केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि वो ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे और ना ही बीजेपी से, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद केजरीवाल ने बच्चों की कसम तोड़ते हुए कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली थी। तभी वो अपने परिवार को पहली बार पॉलिटिक्स में ले आए थे कसम खाकर। सुनिए केजरीवाल का 2013 का बयान। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। इसी तरह आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जब जब फंसते हैं तो परिवार का सहारा लेते हैं। इस साल जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आम आदमी पार्टी इससे दूर रही। कई बार खुद अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन जैसे ही एंटी हिंदू छवि बनने लगी तो अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी और बूढ़ी मां के साथ राम मंदिर पहुंच गए। इसी तरह जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो अचानक से अपनी पत्नी को आगे कर दिया, क्योंकि इनको इमोशनल कार्ड खेलना था। उनकी पत्नी अचानक से पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गई। केजरीवाल जिस कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसी कुर्सी पर बैठकर सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि केजरीवाल की गद्दी उनकी पत्नी संभालेंगी। अपनी पत्नी सुनीता के राजनीति में आने को लेकर केजरीवाल ने अब कहा है कि सुनीता की सक्रिय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं, वो दिल्ली की जनता और मेरे बीच का के पुल का काम कर रही थी। वो बताती थी कि बाहर क्या चल रहा है, सुनीता के जरिए अपने संदेश बाहर भेजता था। केजरीवाल ये सारा इमोशनल ड्रामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में वोटिंग है और दिल्ली के सो कॉल्ड बेटे की राजनीति की हर जगह छीछा लेदर हो रही है।
दिल्ली की हर माँ, हर बहन, हर बेटी पूछ रही है कि ये कैसा बेटा और भाई है उनका जो एक महिला का साथ देना तो दूर, उनकी पूरी टीम अचानक उस महिला का चरित्रहनन करने लग गई, वो भी तब जब जांच चल ही रही है। इसी जमीनी सेंटिमेंट से वाकिफ केजरीवाल का आज पॉलिटिकल ड्रामा तो फेल हुआ ही, ऊपर से उनकी राजनीति का असली चेहरा भी दुनिया के सामने आ गया जब केजरीवाल की पॉलिटिक्स पर बड़ा खुलासा हुआ। जिन स्वाति मालीवाल केस में खुद की छवि बचाने के लिए केजरीवाल बूढ़े माता पिता का हाथ पकड़कर आज वीडियो बना रहे थे, उन्हीं स्वाति मालीवाल ने आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी। 13 मई को स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के शीश महल में मारपीट हुई थी, उसके बाद से स्वाति मालीवाल सिर्फ सोशल मीडिया पर ही अपनी बात रख रही थी। लेकिन स्वाति मालीवाल ने आज सबके सामने खुद के साथ हुई पिटाई पर सबसे बड़ा राज खोल दिया। आप ये खुलासा देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में स्वाति मालीवाल के साथ क्या क्या हुआ था। अपनी आप बीती आज खुद स्वाति मालीवाल बताएंगी। आज स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर एक नहीं कई खुलासे किए। स्वाति मालीवाल ने बताया कि 13 मई को घटना के बाद से केजरीवाल ना तो उनसे मिले, ना ही उनका हाल जानने की कोशिश की। एक बार सुनिए स्वाति मालीवाल केजरीवाल की पॉलिटिक्स को कैसे एक्सपोज कर रही है, फिर आपको बताऊंगा कि स्वाति के इस बयान पर कैसे केजरीवाल एक्सपोज हुआ। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मारपिटाई हुई है। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं, वो जो सवाल हैं कि कैसे पिटी, क्यों पिटी, विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पर थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। ये भी फैक्ट है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अरविंद जी का कोई कॉल नहीं आया और वो मुझसे अभी तक नहीं मिले। स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही हैं, खुद बता रही हैं कि पिटाई के बाद ना तो केजरीवाल उनसे मिले, ना एक फोन किया। जिन स्वाति मालीवाल को केजरीवाल खुद लेडी सिंघम बताते थे, केजरीवाल तो कह रहे हैं ना कि मैं उस वक्त ड्राइंग रूम में नहीं था, तो आपको तो स्वाति मालीवाल और विभव कुमार दोनों के बातों पर यकीन करना चाहिए। विभव को तो साथ लेकर घुमा रहे हैं और स्वाति मालीवाल कह रही है कि हमको एक फोन तक नहीं किए। यही महिला को न्याय दे रहे हैं आप? एक बार स्वाति मालीवाल को फोन करके तो पूछ लेते कि स्वाति क्या हुआ तुम्हारे साथ, जरा तुम भी बताओ। दो पक्ष हैं, आप खुद कह रहे हैं विभव को साथ लेकर घूम रहे हैं, तो विभव ने अपना पक्ष तो बताया होगा। स्वाति से, एक महिला से, जो आदमी कह रहा है कि वो दिल्ली का बेटा है, उसने एक फोन करके नहीं पूछा कि स्वाति तुम्हारे साथ क्या हुआ था? इतना तो केजरीवाल कर ही सकते थे कि जो महिला उनके घर पर पीटी गई आरोप लग रहा है उसका हालचाल ही पूछ लेते। केजरीवाल ने यह भी करना जरूरी नहीं समझा। इसलिए जब केजरीवाल कहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, सच्चाई सामने आए, तो साफ तौर पर यही दिखता है कि वो महिला सांसद को पीटने वाले का बचाव कर रहे हैं शायद, क्योंकि वो तो घटना के बाद भी पीटने वाले को अपने साथ लेकर घूम रहे थे। आज यही बात स्वाति मालीवाल ने कहकर उन्हें फिर एक्सपोज कर दिया। आज स्वाति मालीवाल ने खुलकर अरविंद केजरीवाल पर विभव को बचाने का आरोप लगाया। सुनिए स्वाति मालीवाल ने क्या कहा, फिर आपको केजरीवाल पर एक और खुलासा बताऊंगा। ये भी फैक्ट है कि इस पूरे प्रकरण में अरविंद जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं। वो उसको लेके लखनऊ घूम रहे हैं, वो उसके लिए प्रोटेस्ट पे सड़क पे उतरे, इतना तो उन्होंने मनीष जी जब अरेस्ट हुए थे उनके लिए भी नहीं करा। तो ये जो चल रहा है और पूरी तरीके से पूरी पार्टी में हर इंसान को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करो, मेरे विक्टिम शेमिंग करो, मुझे मतलब बुरी तरीके से टॉर्चर करो, तो ये मुझे जो दिख रहा है इसको लेकर मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही। बट डेफिनेटली आई वॉन्ट द दिल्ली पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर इन अ वेरी फ्री एंड फेयर मैनर, बिकॉज बहुत बड़े बड़े लोग हैं एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसके बाद जो भी सच है उसको सामने आना चाहिए। आज स्वाति मालीवाल ने यह भी खुलासा किया कि जब उन्हें पीटा जा रहा था वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आया, जबकि केजरीवाल उस वक्त घर पर थे। सुनिए एक बार स्वाति मालीवाल का एक और बड़ा खुलासा।
मुझे बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल जी घर में हैं और वो मुझसे मिलने आने वाले हैं, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, सच तो ये है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। पुलिस अब इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और किसके इंस्ट्रक्शंस पे मैं पीटी गई हूँ, ये सारी चीज़ों पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। तो इस वक्त अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आखिर विभव को अरविंद केजरीवाल क्यों बचा रहे हैं? यही तो आरोप लग रहा है ना उन पर कि वो विभव को बचा रहे हैं। इसके बारे में भी स्वाति मालीवाल ने बताया। स्वाति ने कहा कि आज की तारीख में विभव कुमार केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी हैं। सुनिए स्वाति मालीवाल को। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन विभव जी? आई नो हिम सिंस 2006 ओनली। सिंस 2006। क्या वो बहुत करीबी रिश्ता है उनका अरविंद जी के साथ? हाँ, स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार हैं। वो कोई मामूली पीए नहीं है। अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना आलीशान उनको घर दिया गया है, इतना तो किसी मंत्री को भी दिल्ली में नहीं घर मिला हुआ है। तो वो एक बहुत रसूखदार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में, और पूरी पार्टी उनसे डरती है, और उनके ऊपर असॉल्ट का केस पहले भी हो रखा है। तो ये सब बातें हैं एंड डरती है। क्यों डरते हैं लोग? लोग डरते हैं उनका उनका जो मतलब ऐसा एक पूरी पार्टी में मैसेज है कि अगर विभव नाराज हो गया आपसे तो फिर आप ख़त्म हो पार्टी में। स्वाति मालीवाल कह रही है कि विभव केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार। यही बात कई लोग विभव के बारे में कह चुके हैं कि पार्टी के अंदर उन्हें केजरीवाल की परछाई कहा जाता है, और जिस तरह से केजरीवाल और उनकी पार्टी विभव के साथ खड़ी है उससे भी यही दिखता है कि विभव का काफी रसूख है। लेकिन सवाल तो यह है कि ऐसा क्या राज है जो विभव जानते हैं कि इस हद तक लोग उनको बचाने के आरोप लग जाए कि एक महिला के खिलाफ जाकर उनको बचाया जा रहा है फिर भी उनको बचाया जाए। हो सकता है कि जांच के दौरान अगर पुलिस को विभव के फोन का डेटा मिल गया तो सिर्फ पिटाई कांड नहीं बल्कि हो सकता है कई और राज सामने आ जाएं, और शायद इसी वजह से केजरीवाल घबराए हों, यह भी प्रश्न उठता है। स्वाति मालीवाल मामले में आम आदमी पार्टी लगातार यह कह रही है कि स्वाति मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट के सीएम आवास में घुस गई थी और इसी वजह से हंगामा हुआ, लेकिन इसकी सच्चाई भी स्वाति मालीवाल ने आज बताई। सुनिए एक बार। मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हार्डली कभी गई हूँ। जब जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हाँ, ज़रूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी हुई होती हैं और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रेटेरिएट जाते हैं तब एक बार ऑफिस पे के लिए ऑफिशियल टाइम लेके जाया जाता है, लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। ये कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी तो फिर तो गेट पे ही रोक देते, फिर अंदर से अंदर तक मैं पहली बात कैसे चली गई। और दूसरी बात जो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई जी अपॉइंटमेंट ही नहीं था, तो मैं तो हमेशा ऐसे ही गई हूँ। मुझे हल्का सा इल्म भी नहीं था कि अगर ऐसे मैं मतलब आज कुछ मेरे साथ होने वाला है, और अगर उनको लगता है कि अपॉइंटमेंट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है तो उसी वक्त वहीं पे मेरे को बोल देते कि भाई बाहर चले जाओ, मैं बाहर चली जाती। मतलब आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगा कोई सो कॉल्ड तो आप उसको पीट दोगे, और वो भी उस इंसान को जो आज तक कभी आपके घर में अपॉइंटमेंट लेके आया ही नहीं। मैं तो 20 साल से जानती हूँ, वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, तो ये तो बहुत अजीब बात है। आप देख रहे हैं स्वाति मालीवाल कितने बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं और कितने बड़े खुलासे कर रही हैं। आज से नहीं, वो हमेशा से बिना अपॉइंटमेंट के केजरीवाल जी के घर गई हैं, तो फिर अपॉइंटमेंट की बात क्यों की जा रही। आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल के साथ इतनी बड़ी घटना हुई तो उन्होंने FIR करने में इतना समय क्यों लगा दिया। इस पर स्वाति मालीवाल ने बड़ा खुलासा किया। स्वाति मालीवाल ने बताया कि संजय सिंह उनसे मिलने आए थे, सख्त एक्शन का भरोसा दिया था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब उन्होंने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। सुनिए स्वाति मालीवाल के इस इंटरव्यू का यह हिस्सा, फिर बताऊंगा कि 13 मई की सुबह स्वाति के साथ जो हुआ
वो कैसे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। They came inside your house. Yes, they did. कितने लोग आए थे? थे कुछ लोग। Okay. तो उस time वो they had sympathy with you. They had because अगर आप देखें तो संजय सिंह जी आए थे मेरे घर पे। उन्होंने मेरा हाल देखा। उन्होंने देखा कि जो लड़की एक फाइटर है हमेशा, आज वो एक विक्टिम बन गई। उन्होंने वो सब कुछ देखा। मैं रो रही थी, मैं पेन में थी और मैं बार बार सबको बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने मेरा हाल देखकर वो अरविंद जी के घर पे भी गए। उन्होंने विभव से भी बातचीत करी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और उसके बाद सब कुछ देखकर अगले दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी जिसमें उन्होंने ये बात मानी कि स्वाति इस देश में महिलाओं के लिए एक बहुत मुखर आवाज है और उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुई और इसीलिए अरविंद जी संज्ञान ले रहे हैं और अरविंद जी विभव के खिलाफ एक्शन लेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश ने देखी है। मुझे बोला गया कि आप कंप्लेंट मत कीजिए, हम एक्शन लेंगे। पर अगले ही दिन हमने देखा कि किस तरीके से विभव कुमार लखनऊ में इन लोगों के साथ दिखे। तो मुझे एक इतनी ग्लानी की फीलिंग हुई कि मैंने इतनी महिलाओं के को हिम्मत दी और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ मेरे कहने पे लड़ी और मैं क्यों नहीं कंप्लेंट फाइल कर रही। आई हैव टू फाइल अ फॉर्मल कंप्लेंट बिकॉज इट इज़ अ क्रिमिनल केस। ये कोई ऐसा केस नहीं है जिसको अ पार्टी कैन ब्रश इट ऑफ अंडर द कार्पेट। यानी स्वाति मालीवाल का दावा है कि वो शुरुआत में इसलिए चुप रही क्योंकि संजय सिंह, जो उन्हें अपनी बहन बताते हैं, वो आए मिलने के लिए और उन्होंने कहा एक्शन होगा। लेकिन जब अगले दिन देखा कि विभव को तो साथ लेके घूम रहे हैं केजरीवाल, क्या ही एक्शन हुआ, तब जाकर उन्होंने एक्शन लेने की खुद सोची और गई पुलिस के पास या पुलिस आई और उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई। ये सब तो आपने सुना कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश की थी कि किसी भी तरह से स्वाति मालीवाल पुलिस में शिकायत ना करे। ये खुद बता नहीं ना, उन्हीं का तो आरोप है, FIR ना करे। लेकिन स्वाति ने शिकायत कर दी। सुनिए स्वाति मालीवाल खुद बता रही हैं कि उनके साथ 13 मई को केजरीवाल के शीश महल में कितनी बुरी तरह से पिटाई हुई। फिर आपको बताऊंगा कि क्या इस झगड़े की वजह राज्यसभा की सीट है। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया, उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी। इतने में विभव कुमार, जो कि उनके PS थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। जब से स्वाति मालीवाल का केस सामने आया, हर कोई यही पूछ रहा है कि अगर पिटाई हुई तो उसकी वजह क्या थी? आखिर केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल को पीटा क्यों गया? इसका भी खुलासा आज स्वाति मालीवाल ने कर दिया। सुनिए स्वाति मालीवाल। अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। MP तो बहुत छोटी बात है। और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे
तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी ज़िंदगी में. तो मेरे को एमपीशिप की कोई लालसा नहीं है. ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में रिज़ाइन कर देती, मुझे कोई समस्या नहीं है. मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ. मेरे को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूँ. लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिज़ाइन नहीं करूँगी. मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजह से मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है, विक्टिम शेमिंग करी जा रही है. मैं बिल्कुल रिज़ाइन नहीं करूँगी. यानी स्वाति मालीवाल की माने तो सारी लड़ाई राज्यसभा सीट को लेकर है, ऐसा लगता है. स्वाति मालीवाल ये भी कह रही है कि अगर वो गलत है तो उनका पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट करा लिया जाए. वो चैलेंज दे रही है भाई कि मेरा नार्को टेस्ट कर लो. जबकि स्वाति के पूर्व पति नवीन जयहिंद का कहना है कि अगर किसी का नार्को टेस्ट होना चाहिए तो केजरीवाल का होना चाहिए, जिससे सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी. सुनिए स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद को. मुख्यमंत्री गया कि हाँ मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, सबका होना चाहिए वहां, जितने भी इस मामले में थे सबका करवा दो. मुख्यमंत्री गया कि हाँ मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, सबका होना चाहिए वहां, जितने भी इस मामले में थे सबका करवा दो. यानी स्वाति मालीवाल को सुनने के बाद एक चीज तो स्पष्ट है कि ठीक है, उस वक्त केजरीवाल उस कमरे में तो नहीं थे, लेकिन उस घर में वो मौजूद थे. और अगर स्वाति मालीवाल की बातें सच्ची हैं, आरोप सारे सच्चे हैं कि वो चीख रही थी, तो ये कैसे संभव है कि कोई नहीं आया और किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया. केजरीवाल स्वाति मालीवाल से पिटाई का सच नहीं बता रहे, उन पर बार बार आरोप लग रहा है.